नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बनारस की गलियों में विभिन्न पार्टी के दिग्गज नेताओं की चहलकदमी भी बढ़ गई है। जी हां, सभी पार्टी के नेता अपने विपक्षियों पर व्यंगात्मक टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि आए दिन बड़े नेताओं की बड़बोल सुर्खियां बनी रहती हैं। ताजा मामले की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सैम पित्रोदा के 1984 के सिख नरसंहार पे आए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने प्रहार किया है। जी हां, नलिन कोहली ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजीव गांधी कहा करते थे कि यदि बड़ा पेड़ गिरता है तो नींव कमजोर होती है। अब ये देखना है कि क्या राहुल गांधी पार्टी के गुरु अपने गुरु को पार्टी से बाहर निकालते हैं या फिर उन्हें पार्टी में रखते हैं। कांग्रेस अपनी सोच बदलती है या फिर इसी राह पे चलती है, देखें ये वीडियो। बिल्कुल अनुचित है, इस प्रकार का बयान कोई इंसान दे सकता है क्या? जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, हजारों सिख भाई बहन बच्चे घर से निकाल निकाल कर मारे गए, पेट्रोल फेंका गया उन पे, ना केवल दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जी का बयान है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। और सैम पित्रोदा जी जो राहुल गांधी जी के गुरु हैं, क्या कहते हैं? हुआ तो हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। कांग्रेस किस मानसिकता से काम करती है ये उसमें स्पष्ट होता है। और अब देखने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी जी अपने गुरु सैम पित्रोदा जी को साथ रखेंगे या कुछ करेंगे या उनको ऐसा कहेंगे कि माफी मांगे, ये सब देखने वाली बात है। खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? ये राजनीति से उठकर बात है, ये इंसानियत की बात है कि एक नरसिंहार को इस प्रकार से कहना कि हुआ तो हुआ, जनता देख रही है और जनता जो अपना उसका अधिकार है उस अधिकार को जताएगी। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी सोच सुधारनी पड़ेगी कि इस प्रकार के नरसिंहार पर फिर कभी ऐसे ना कहे कि हुआ तो हुआ। और राजीव गांधी जी के कार्यकाल को जब याद करते हैं तो सिख नरसिंहार को कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये ना केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हर जगह इसकी गूंज जो है आज तक सुनाई देती है। 30 साल बाद मोदी जी की सरकार आई तो इस पर न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी और जो आरोपी थे उन पर न्यायिक प्रक्रिया कसके वो दोषी ठहराए गए। अब जब न्याय शुरू हुआ ना, कांग्रेस का कहना हुआ तो हुआ, उसको छोटा करना ये बिल्कुल अनुचित। जो खबरों की तह तक जाए।